नमस्ते, दिव्यज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैसूर मसाला मिनी इडली। जो छोटे हो या बड़े हो, सभी की चहेती है। इस रेसिपी में उड़द की दाल यूज हुई है, जो दालों की रानी माना जाता है, हेल्थ के लिए जो बहुत अच्छी है। तुम छोटे बच्चों को हम गरम गरम इडली घी लगा के भी खिला सकते हैं। अथो महाराष्ट्र हो या राजस्थान, हर व्यक्ति इडली को बड़े चाव से खाता है। इडली बनाने के लिए 1 कप उड़द की दाल और 3 कप चावल लेंगे। इसे अच्छी तरह से 3 पानी से धो देंगे। मैंने 1 बाउल दही गरम करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा पानी भी ज़रूरत के हिसाब से मिला रही हूँ। अब सुबह के 6 बजे हैं, मैं लगभग 11 बजे इसे पीसूँगी। तब तक मैं ढक देकर रख रही हूँ। सुबह के 11 बज रहे हैं, 5 घंटे हो चुके हैं, दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब मैं इसे पीसूँगी। यदि आपको लंच में इडली बनानी है तो भी आप बना सकते हैं। मुझे डिनर में इडली बनानी है तो मैं पीसने के बाद इसे धूप में रख दूंगी, जिससे आटा अच्छी तरह से चढ़ेगा। आपके घर धूप नहीं आती है तो आप नहीं रखोगे तो भी चलेगा। इडली का घोल धूप में रखने से आटा बहुत ही अच्छा चढ़ता है। अब इडली के बैटर में हम स्वाद अनुसार नमक और बेकिंग सोडा मिलाएंगे और उसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। इडली के संचे को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम सारे स्लॉट्स में इडली का बैटर डाल रहे हैं। सारे स्लॉट्स को हम एडजस्ट करके कुकर में पानी डालकर गैस पर चढ़ा देंगे। 1 तपेली में हम पानी को बॉईल करने रखेंगे और 4-5 लाल कश्मीरी मिर्ची को उबालने रखेंगे। मिर्ची उबल चुकी है, अब मैं इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में इसका पेस्ट बनाऊंगी। रेड चिल्ली पेस्ट तैयार है, ये देखिए। में ऑयल लेंगे, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें जीरा, हींग और गोभी डालकर इसे हम सेकेंगे। हमें ये धीमी आंच पर सेकना है। हमने जो कश्मीरी लाल मिर्ची का पेस्ट बनाया है, अब मैं उसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सब प्रोसेस हमें धीमी आंच पर ही करना है। अब हम टमाटर डालेंगे, शिमला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं छोटे बच्चे या बुजुर्ग हो तो गरम गरम इडली आप उन्हें घी लगाकर भी सर्व कर सकते हैं। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। यंगस्टर को चटपटी चीज पसंद होती है। हमें स्लो गैस पर ही इसे अच्छी तरह से हिलाना है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। पानी हमें एकदम थोड़ा सा ही मिलाना है। यदि आपकी ग्रेवी में ऑलरेडी पानी है तो आपको और पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मिनी इडली डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि घर में गेस्ट आने वाले हो तो हम ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। यदि बाहर जाना है तो डिनर की तैयारी करके जा सकते हैं। छुट्टी का दिन है तो लंच में खा सकते हैं। किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो या गेट टुगेदर हो, किसी भी वक्त हम मिल बैठकर खाने का आनंद उठा सकते हैं। तो तैयार है हमारी मैसूर मसाला मिनी इडली। खा
आइए और खिलाइए।